अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपने डिप्रेशन और इन्जाइटी को अपनी लाइफ से कैसे ओवरकम किया और कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को बदला मैं ये मोस्टली वीडियोज़ में बता चुका हूँ लेकिन मैंने कोई भी जो भी मैंने रूटीन्स बताई हैं जो मैंने सब लोगों को मैं बताता हूँ बहुत से लोग होते हैं जो उन रूटीन्स पे काम नहीं कर पाते लाइक उनको पता नहीं चलता कि ये एक दिन तो करते हैं दूसरे दिन नहीं करते और तीसरे दिन वो नहीं करते तो इस वजह से उनको लगता है कि शायद ये जो कुछ भी ये बातें कर रहा है ये बातें जो बता रहा है ये इम्पॉसिबल है जब मैंने भी ये रूटीन स्टार्ट की थी मैं भी सोचता था कि यार क्या रूटीन्स को बैलेंस करने से क्या चीज़ों को बेहतर कर लेने से अगर सोने की उठने की खाने पीने की एक्सरसाइज की अगर एक रूटीन करें तो क्या हम मैंटलली जो हमारी जो इल्नेस चल रही हैं जो मैंटली हम साइकोटिक प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं या हमें ये जो ऑबसेशन आ रहे हैं ये जो हमें आ, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है एन्ज़ाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है सोशल फियर बहुत ज़्यादा हो रहा है आ, फियर ऑफ़ डेथ बढ़ा है स्ट्रेस बढ़ा है मेरा ब्लड प्रेशर जो आ, उस टाइम मेरा हाई रहता था इवन दो मैं प्री डायबिटिक हो गया इंसोमिया बहुत ज़्यादा था ये सारी चीज़ें नेगेटिव थाट्स और ये सेल्फ इमेज़ ये सारी चीज़ें क्या रूटीन से ठीक हो सकती हैं देखो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि मेरा सेल्फ जो मैंने रूटीन वहाँ फॉलो की वो क्या थी और मैं क्या चाहता हूँ कि आप अगर आप ये रूटीन यकीन के साथ फॉलो करते हैं इन शाला मैं अभी ये स्टार्ट भी करने वाला हूँ रेगुलरली बेसिस पे मैं अपनी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा कि ये चीज़ें हमारी लाइफ का पैटर्न बन देना बन जाना चाहिए देखो ना जाने कितने लोग हैं इस दुनिया में आलमोस्ट पाकिस्तान जो है वो नंबर वन डायबिटीज़ में है तो डायब डायबिटीज़ हो जाना ये बड़ा कॉमन है अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो क्या आप उसकी गोली पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे गोली मसले का हल नहीं होती असल चीज़ होती है उसकी मैनेजमेंट आपको मैनेजमेंट करनी बड़ी ज़रूरी है जो लोग भी डिप्रेशन में जा चुके हैं किसी भी तरह की कोई भी मेडिसन खा रहे हैं इस रूटीन से जो मैंने रूटीन फॉलो की आप अब भी मैं जो फॉलो करता हूं मैं वो सब आपके साथ रखना चाहता हूं देखो ये चीज़ें आपकी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए आपके माइंड को माइंड uh, हेल्थ के लिए बड़ी ज़रूरी है देखो रूटीन सेवेंटी परसेंट है और थर्टी परसेंट जो है वो माइंड प्रोग्रामिंग है आप माइंड प्रोग्रामिंग से सब कुछ नहीं कर सकते अगर आप कहो कि मैं सिर्फ माइंड प्रोग्राम कर लूँ और मैं ऐसे कमरे में बैठ के मैं कहूँ मेरा पेट भर गया मेरा पेट भर गया तो मेरा पेट नहीं भरेगा अनफॉर्चुनेटली अनटिल अनलेस के जब तक मेरे पेट में कुछ नहीं जाएगा मुझे कुछ खाना भी है वक्त पे खाना भी है वक्त पे सोना भी है वक्त पे उठना भी है मैं वो इंसान था जिसने चार बार ज़िंदगी में सुसाइड अटैंप्ट किए और बड़े हार्ड किस्म के कि जिससे इंसान समझे कि नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट बंदा कामयाब हो जाता है डेड हो जाता है लेकिन अल्लाह ने बचा लिया किसी मकसद से बचाया अब मैं बींग लाइक like, मैंने उस चीज़ को एक लाइफ कोच को एक एन एल पी ट्रेनर को मास्टर प्रैक्टिशनर को इसको एज आ जो है वो मैंने प्रोफेशनल जो है वो अपना अडोप्ट किया मेरी ख्वाहिश है मेरी कोशिश है कि मैं हर इंसान को जो इस प्रॉब्लम में है मैं उसको इससे निकाल सकूं लेकिन मेरा जो मेन पर्पस है वो ये है कि एक तो टाइम की बहुत ज्यादा कमी है और लोग बहुत से ये सोचते हैं कि यार ये बंदा ही हमें निकालेगा तो हम निकलेंगे नहीं मैं एक ऐसा पैटर्न डेवलप करना चाह रहा हूँ इसमें हमने क्या करना है अब मैं डेली व्लॉगिंग की तरफ आ रहा हूँ इस डेली व्लॉगिंग का मोटिव क्या होगा क्या चीज़ें हैं जो आपको पैटर्न में समझनी है देखो हमारी मेरी वीडियोज़ अगर आप यूट्यूब पर देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किन चीज़ों से लेके मैं आपको सेल्फ एजुकेट करना चाहता हूँ जैसे मैंने अपने आप को अवेयर किया देखो कोई इंसान आपको सारी जिंदगी नहीं सुनता कोई इंसान आपको सारी ज़िंदगी जो है ना वो मशवरे नहीं देता मशवरे आपने ख़ुद से लेने हैं आपने अपने रब की जात से लेने हैं ख़ुद से कैसे मशवरा लेना है अपने रब से कैसा मशवरा लेना है वो इन मैं पहले वीडियो तो में बता चुका हूँ फिर हम एक रेगुलरली रूटीन जो शुरू कर रहे हैं उसमें हम बताएँगे देखो अगर आप मेरी रूटीस को फॉलो करते हो जैसे मैं जो इन्ज़ाइटी और डिप्रेशन में आया बहुत बड़ी रीज़न थी कि मैं जिस जीन्स uh, के साथ पैदा हुआ जिस जेनेटिकली मैं इन चीज़ों में था मेरे फादर थे और वो बड़े ओवर थिंकर थे और चीज़ों को सोचते थे और घर में कुछ इन्वायरमेंट मेरी मदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एन्ज़ाइटी में रहती तो मैंने भी इस पैटर्नस को अपने साथ फॉलो किया फिर रात का काम किया फिर मैं ये वीडियो इसलिए ज़रा लंबी नहीं करना चाह रहा मैं आपको ये थोड़ा हवाला बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब पर यह सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं ये सारे चैलेंजेस मेरे लिए भी थे लेकिन अलहमदिल्ला मैंने हर चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद मैंने जिंदगी बदली मेरे वो जो साढ़े तीन साल थे आई स्ट रिमेंबर कि वो इतने हार्ड थे वो साढ़े तीन साल में मैं एक एक दिन जो है वो पचास पचास हज़ार स्टेप्स तक भी चला हूँ इवन सम टाइम मैं सिक्सटी सिक्सटी फाइव थाउजेंड स्टेप्स भी मैं चल गया मुझे स्टिल याद है कि मैं चार चार घंटे तीन तीन घंटे सिर्फ चलता रहता था मैं तहजद की नमाज बा पाबंदी से पढ़ता था मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैंने इस अरसे में जो है वो मैंने एक दफ़ा भी तजुद की नमाज स्किप की हो फिर जाके अल्लाह ताला ने मुझे उस चीज़ों से निकाला मेरा खाना पीना बड़ा बैलेंस था इस इस सारी रूटीन में हम किन चीज़ों को फॉलो करेंगे आउटलाइंस को पहले तो आप अभी जो अभी जो आपके पैटर्नस हैं जो भी चीज़ें आप एक मेरे कहने पर एक कॉपी लें और एक पेन लें उस पर सारी चीज़ें लिखें कितने बजे सोते हैं कितने बजे उठते हैं क्या क्या कुछ करते हैं माइंड में क्या क्या थाट्स चलते हैं वो थाट्स कब से चल रहे हैं और क्या ऐसे रीजंस यानी कि कौन से ऐसे सुनैरियोज हुए जिनकी वजह से वो थॉट्स आपके अंदर आए सबसे पहले हम इस चीज़ में आएंगे बेड टाइमिंग की तरफ आप इस चीज़ को मैं कहता हूँ मैं वीडियो को लंबा ही करना चाहता क्योंकि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन पहले भी बड़ी बार दे चुका हूँ बेड टाइमिंग आपको डिप्रेशन में ला भी सकती है और आपको डिप्रेशन से निकाल भी सकती है मेरी ज़ात खुद नींद की कमी की वजह से डिप्रेशन में गई थी तो डिप्रेशन में पहली चीज़ हम करेंगे नींद नमाज की टाइमिंग फजर की नमाज हम सारी पांच वक्त ने नमाजों की तरफ पाबंदी करेंगे जो लोग तहजद तो पढ़ना चाहते हैं तहजुद तो पढ़े एक टाइम फ्रेम हमारा ऐसा होगा नींद भी हमारी पूरी हो जाएगी आप आठ घंटे सो लें और जो मेरे कहने पर आप छः घंटे सोएंगे आप उसको कंपेयर कर लें बारह घंटे भी सो लें आप उस टाइम पर हैरान हो जाएंगे कि वो सिर्फ छः घंटे की नींद हमें कितना बूज दे देगी आप हैरान हो जाएंगे इसके अलावा हमारी मॉर्निंग वॉक होगी और हमारी शाम के टाइम जिम होगी जिम हम घर में करेंगे वॉक हम घर में करेंगे कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की जो लोग बाहर जा सकते हैं बाहर चले जाएं मर्द हजरात बाहर रहें बाहर ज़्यादा से ज्यादा काम करें जॉब कर रहे हैं जैसे मैनेज कर रहे हैं मैनेजमेंट इंशाल्लाह हम करते रहेंगे फिर आती है डाइट हमने डाइट को बड़ा सोच समझ के करना है डाइट मैं कहता हूं आपका हंड्रेड परसेंट अगर सारा कुछ कर रहे और डाइट कंट्रोल नहीं ना भाई ये वो बातें हैं जो मैंने लोगों को कोच करके उनको वन ऑन वन देख के उनकी ट्वेंटी फोर आवर्स की रूटीन को देख के सोने से पहले उन्होंने क्या खाया था सुबह जब वो उठे तो कैसे थे ये सारी चीज़ों में डाइट है आपकी डाइट में तीन चीज़ें होती है कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता प्रोटीन्स और फैट यानी कि आप समझ लो कि जो शुगर है ना जो जो कार्बोहाइड्रेट्स अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं उसको हमने सिर्फ अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं और उसमें प्रोटीन की तादाद हमने ज़्यादा लेनी है माइंड को ज़्यादा पसंद क्या चीज़ है वो फैट्स हैं फैट फैट्स और प्रोटीन ये दो चीज़ें हमने रखनी है अच्छी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए और उसके बाद जो है वो हमने पावर नैप एक दिन में एक पावर नैप का टाइम डिसाइड करना है थॉट्स मैनेजमेंट में वो इंशाल्लाह मैं आपको एनएलपी टेक्निक्स पी टेक्नीस आहिस्ता सिखाता रहूँगा फिर हम माइंड मैं एनएलपी टेक्निक्स मेरे चैनल पे काफ़ी आप ये ना सोचिएगा कि पता नहीं कौन सी टेक्निक्स हैं इसके अलावा जो एनएलपी की टेक्निक्स के साथ साथ हम मेडिटेशन रेगुलरली बेसिस पे करेंगे नमाज में कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं जब आप नमाज खत्म कर चुके कर, कर, कर लें फिर उसके बाद कैसे मेडिटेशन करनी है वो भी मैं इन आपको बताऊंगा कि नमाज ख़त्म होने के बाद आइए और फिर उसके बाद जो है वो हमारी आ, मैं राइटिंग थेरेपी की तरफ आ, आपको प्रेफरेंस दूंगा मैं राइटिंग राइटिंग थेरेपी क्यों कहता हूँ देखो आप जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम बताते हो दोस्त हो फैमिली मेम्बर्स हों या इवन हस्बैंड एंड वाइफ हों हर बंदा जो है ना वो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता देखिए एक प्रोफेशनल की एक बात और होती है क्योंकि उसको आपने पैसे दिए होते हैं उसको आपने उसका टाइम लिया होता है तो वो आपको सुनता है वो सुन के आपको ठीक से मशवरा देता है क्योंकि उसका आपके साथ को लेना देना नहीं होता उसने उसने आप, आप आपने जस्ट उसका टाइम बाय किया होता है लेकिन आप एवरी टाइम किसी प्रोफेशनल को हायर नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं उसके लिए आप बेहतरीन जो है वो राइटिंग थेरेपी है आप लिखें उसको आंसर करें और उसको बार बार पढ़ें और फिर उस, उसको आपने अपने पास रखना है पास रख लें जलाना है जला लें जिस तरह आपने करना है या उसको फाड़ के फेंक दें जिस तरह भी आपने करना है आप उसे कर सकते हैं रेगुलरली बेसिस पे हम सदका खरात भी करेंगे मैं रेगुलरली बेसिस पे सदका खरात करता हूँ टाइम मैनेजमेंट कि हमने टाइम कैसे मैनेजमेंट करनी है ट्वेंटी फोर आवर्स अगर हमारे पास हैं तो ट्वेंटी फोर आवर्स तो नहीं अवेलेबल होते इंसान सोने में अगर छः घंटे निकालता है बाकी चीज़ें खाना पीना सारी चीज़ों का हम टाइम टाइम मैनेजमेंट की तरफ आएंगे मेन चीज़ है कि हमने रेगुलरली बेसिस पे फैमिली को भी टाइम देना है फ्रेंड्स uh, मैं नहीं समझता कि कोई फ्रेंड्स आज के दौर में आपके साथ कोई इतना सिंसेयर होता है हाँ कॉल्स वगैरह कर ले थोड़ा टाइम दे दे वो अच्छी बात है और इसके अलावा जो है आपने अपने आप को प्रॉपर माइंड मैनेज करके रखना है देखो मैनेजमेंट जो है ना इस चीज़ में आपको इस पूरे सुनैरियो में जिस चीज़ को करना है वो मैनेजमेंट है मैं स्टिल मैं कहूँ कि जी मैं डिप्रेशन या से निकल गया हूँ फिर भी मैं रूटीन्स को फॉलो करता हूँ मुझे अब उस तरह से डिप्रेशन नहीं होता उस तरह से एन्जाइटी नहीं होती बट जब आप इन रूटीन्स को देखोगे ना आप कहोगे वाकई ही ये जो बंदा बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है हम जब इन रूटीन्स को फॉलो कर लेंगे जो लोग भी ये रूटीन्स फॉलो करना चाह रहे हैं बस आपने मेरा पूरा साथ देना है मेरा पूरा साथ दे के कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी मुझे आपकी ज़िंदगी बदलने से मुझे क्या फ़ायदा होगा मुझे फ़ायदा ये होगा कि यार देखो मैं खुद भी इन चीज़ों से जो है ना वो इन चीज़ों में था मेरी कोशिश थी कि मेरी ख्वाहिश थी कि यार कोई मुझे एक गाइडलाइंस दे दे तो मुझे तो गाइडलाइंस ना मिली लेकिन मैं आपको गाइडलाइंस देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो जो तकलीफ़ का वो लम्हा होता है उस लम्हे में इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता पैसा दौलत शहरत कुछ नहीं चाहिए सुकून चाहिए उस सुकून के लिए वो बहुत कुछ कर रहा होता है और उस सुकून को जब उसे सुकून मिल जाता है वो बड़ा अपने अंदर से एक दुआ निकाल के देता है और वो जो दुआ होती है वो अगले इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है मैं अक्सर सोचता हूँ कि जितने लोग मेरे मुखालफी हैं मुझे कौन सी चीज़ें बचा बचाती हैं तो फिर ख्याल आता है फिर चीज़ें नज़र आती हैं कि आप लोगों की दुआएं हैं आप लोगों की जो की गई मोहब्बत है वो मुझे इन चीज़ों से बचा लेती है तो इसी तरह मोहब्बत करते रहे इसी तरह जो है वो मेरे लिए दुआ करते अवॉइड करना है अपने कुछ चीज़ों को अवॉइड किन चीज़ों को करना है? देखो चाय इवन आपको एन्जाइटी देती है मैं इस पर बात पहले बात कर चुका हूँ कॉफ़ी भी आपको एन्जाइटी देती है नसवार जिसे जन्नत का फल ये लोग समझ के खाते हैं और पठान भाई प्लीज़ यार नसवार छोड़ दो मेरे पास बड़े पठान भई आते हैं वो यही कहते हैं जी नसवार नहीं छोड़ सकते नसवार नहीं छोड़ सकते बड़ी एडिक्शन है लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो कोशिश करता है वो छोड़ छोड़ देता है पोर्न एडिक्शन ये भी आपके ब्रेन केमिकल्स को डिस्टर्ब करती है पोर्न अब अक्सर लोग कहेंगे जी कि हमें तो पोर्न की आदत पड़ गई या ये हो गया दिल करता है दिल किसका नहीं करता हम सब मर्द हैं, मैं भी मर्द हूँ भाई मर्द होता ही ठरकी किस्म का बंदा है वो औरत की तरफ वैसे ही बड़ा अट्रैक्ट रहता है उसके दिमाग में चौबीस घंटे औरत ही चलती रहती है हम सब के दिमाग में चलती रहती है कोई माने कोई ना माने ये हकीकत है लेकिन अल्लाह ने इंसान के ऊपर कंट्रोल भी रखा है अपने ऊपर कंट्रोल रखें और इन चीज़ों से बचें बचना बड़ा जरूरी है ये ओवर द कॉल लड़कियों के साथ सेक्स टॉक करना बंद कर दें खासतौर पर शादीशुदा जो मर्द हजरात हैं ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इन लोगों ने कायम कर दिए मर्द हो या औरत इन चीज़ों से बचें ही आपको डिप्रेशन में डालता है हराम रिश्ते से बच के रहना आपने शराब नहीं पीनी आपने शराब जो है वो एक सौ एक बीमारियों की माँ होती है झूठ आपको डिप्रेशन में डालता है चीनी का इस्तेमाल आपको डिप्रेशन में डालता है कोल्ड ड्रिंक्स बेदड़क होकर कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी आपको डिप्रेशन डाल देता है साल में मेरे ख्याल से ईद एद के ईद ही में कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ अब ये ना आप समझिएगा कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता या मेरे पास कुछ वसाइल की कमी है तो मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ नहीं अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का दिया सब कुछ है फ़ास्ट फूड मैं चाहूँ तो मेरा अपना जो है वो माशाल्लाह रेस्टोरेंट है तो मुझे तो फ़ास्ट फूड की मुझे कोई टेंशन नहीं है लेकिन मैं खाता नहीं मैं नहीं खाता ये आपने भी नहीं खाना फ़ास्ट फूड से टोटल कर दें प्रोसेस फूड से टोटल कर दें जो है वो कर दें हमारे रेस्टोरेंट में फ़ास्ट फूड भी है और ट्रेडिशनल फूड भी है और पाकिस्तानी फ़ूड भी है मेरी कोशिश यही होती है कि प्रोटीन बेस्ड फूड खाया जाए डाइट खाए जो प्रोटीन बेस्ड खाई जाए तो आपके पास अल्लाह ने ऑप्शन दी है आप ग्रिल फिश खा सकते हैं ग्रिल्ड चीज़ें खा सकते हैं इन चीज़ों की तरफ आए बाहर का खाना बुरा नहीं होता बाहर की खाने की चॉइस बुरी होती है कि आप बाहर जाके क्या खा रहे हैं और इसी तरह घर में भी हर खाना अच्छा नहीं होता घर में भी बहुत से खाने बुरे होते हैं जो जिनमें यानी कि शुगर की तादाद ज़्यादा होती है जो प्रोसेस होकर बनाते हैं बेकरी आइटम से बचना है हमने ये है हमारा पूरा जो है ना वो हमने जिस सुनहरियो को फॉलो करना इस सुनहरियो को फॉलो करेंगे तो आप एक हेल्दी लाइफ जी सकेंगे हम उस नहीं है उस मूड में कि हम कहें के कुछ भी करें और हम फिट रहे नहीं हो सकता सर ऐसे नहीं हो सकता मैं आपको एक वैसे वैसे एक बात बताता हूँ मैंने कुछ मॉडल्स को भी कोच किया मैंने जब उनकी लाइफ को देखा ना मैं हैरान हो गया कि यार ये लोग नो डाउट दुनियावी पर इतने पंचुअल होते हैं ना अगर इन्होंने कहा है ना पाँच बजे तो पाँच बजे ये पाँच बजे एक्सरसाइज करेंगे ये छः बजे अपने आप को जो है ना वो फिटनेस जो भी इन्होंने करना है और डाइट को ये लिमिटेड रखते हैं उनके पास भी तो हर रिसोर्सेज है लेकिन क्या है कि हम लोग जो होते हैं ना हम उस कैटेगरी को फॉलो नहीं करते हम कहते हैं देखो यार वो कितना जवान है उसने कितना जवान रहने के लिए कितनी कीमत अदा की आप और मैं नहीं करते आप और मैं नहीं करते तो इसलिए तो हम वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं इसलिए तो हम वक्त से पहले डिप्रेशन में चले जाते हैं हर चीज़ में स्ट्रेस में चले जाते हैं इस रूटीन्स को अगर आप फॉलो करते हैं ये रूटीन्स आपकी ज़िंदगी बनाती हैं ये बातें मुझे बड़ी देर बाद पता चली और मैं जैसे आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि सिर्फ रूटीन बदल लेने से इंसान अपने स्ट्रेस को डिप्रेशन को एनजाइटी को ब्लड uh, प्रेशर जो हो रहा है डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं प्री डायबिटिक हो रहे हैं इंसॉमिया हो रहा है नेगेटिव थाट्स आ रहे हैं फियरफुल थाट्स आ रहे हैं क्या इन चीज़ों को डाइट से हैबिट से रूटीन से कंट्रोल किया जा सकता है जी हाँ किया जा सकता है आप मेरे साथ चल कर तो देखो बस कुछ ही दिनों तक इन शाला मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप ये सारी चीज़ें मैं खुद करता हूँ और मैं स्टिल कर रहा हूँ मैं ये नहीं कि मैंने छोड़ दी है मैं करता हूँ आपने भी करनी है यही चीज़ें आपकी लाइफ बदलेंगी और आइज मैं कहता हूँ मैं मैं कसम भी नहीं खाऊंगा आप मेरे चैनल पर जाओ यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स पढ़ लो लोगों के जिन जिन लोगों ने इस रूटीन्स को फॉलो किया और अपनी ज़िंदगी बदली अगर वो बदल सकते हैं तो यार आप क्यों नहीं बदल सकते यकीन आप भी बदल सकते हो बस आपने इस बात को मेक श्योर sure करना है कि आप आपने मेरा साथ देना है बहुत गलत काम कर लिया आपने बड़ी अपनी तबाही लगा दी बड़ा अपना आपका नुकसान कर लिया लेकिन अब आपने मेरा साथ देना है मैं वन ऑन वन तो किसी को कोच नहीं कर सकूँगा लेकिन मैं आपके साथ हूँ मैं रेगुलरली बेसिस पे आपको टास्क दिया करूँगा जो मैं करता जाऊँ वो आप उसी तरह से अपने अंदर अडॉप्ट करते जाइएगा इन जैसे मैंने अपने अंदर चेंज महसूस किया आप भी अपने अंदर चेंज महसूस करेंगे तो इस पूरी कंक्लूजन क्या है रूटीन मैंने आपको दे दिया है इस रूटीन को हमने फॉलो करना है और हमने पहले स्टेप पे अपना ऑडिट करना है कि हम क्या क्या कुछ कर रहे हैं क्या क्या गलतियाँ हमारी एक सेल्फ़ एनालिसिस कर लें फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं और इंशाल्लाह श्ला दो से तीन दिन तक जो है ना वो रेगुलरली हमारे जो व्लॉग्स हैं अपलोड होना शुरू हो जाएंगे इसी चैनल पे कामरान शरीफ पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दवा में याद रखिएगा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैंने जो ख़्वाब देखा है एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बनाने का मैं उसमें कामयाब हो जाऊँ अपना ख्याल रखिएगा अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़